हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑसम टेक राइडर। फिर से हाजिर और एक टेक्निकल वीडियो में। तो जैसे आपको पता है कि अभी मैं होम क्वारंटाइन में हूँ, तो अभी मैं घर से बाहर निकल के कोई शूट या बाइक को दिखा के आपको कुछ चीज़ अभी दिखा नहीं पाऊँगा। तो अभी हाल ही में एक मेरा भाई फ़ोन किया था, अपने बाइक में कुछ प्रॉब्लम वो फेस किया, तो उसी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। और ये जो प्रॉब्लम मैं बताने वाला हूँ, काफ़ी लोग ये प्रॉब्लम मिस्टेक करते हैं कह सकते हैं, या गलती करते हैं और समझ में नहीं आता ये प्रॉब्लम कहाँ से होता है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली जो बाइक का जो फ्रंट या रियर जो डिस्क जो प्लेट है, वहाँ से ये आवाज़ एक अजीब टाइप का इरिटेटिंग आवाज़ आते रहता है, किच 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 टाइप का। तो कभी 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 ऐसा भी होता है कि नए बाइक से आने लगा। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों होता है अचानक से? तो ये प्रॉब्लम बेसिकली दो चीज़ के लिए मेनली होता है, ठीक है। पहला चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप नया बाइक खरीदते हैं तो ऑब्वियसली आप अपना बाइक का बहुत केयर करते हैं, बाइक को पॉलिश करते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिश आप यूज़ करते हैं। तो उससे एक हैबिट क्या रहता है हम लोग का, जिस कपड़े से हम लोग टैंक को या बाकी जो फाइबर पार्ट है उसको जो हम पोंछते हैं पॉलिश का, तो उसी कपड़े से हम लोग जो फ्रंट या रियर जो डिस्क जो प्लेट है उसको भी हम लोग पोंछ देते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो ये एक गड़बड़ है, इससे क्या होगा कि उसमें एक चिकनाहट पैदा होगा, उसमें पॉलिश लग जाएगा प्लेट में, और जब ये चलते रहेगी तो जो ब्रेक शू जो है वहाँ पे ये चिकनाहट वहाँ पे बढ़ते रहेगा, और ब्रेक का जो फीडबैक है, जो आपको जो महसूस होता है जब ब्रेक का जो पावर है वो बहुत ड्रॉप हो जाता है। इसके लिए रियर में भी होता है और फ्रंट में भी होता है ये प्रॉब्लम। तो जिस कपड़े से आप बाइक को पॉलिश कर रहे हैं उस कपड़े को यूज़ मत कीजिए फ्रंट या रियर जो डिस्क प्लेट है उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट के लिए जो ये आवाज़ आते रहता है वो ये है, लॉन्ग यूज़ के लिए। लॉन्ग यूज़ से मेरा मतलब है जो ब्रेक शू जो रहता है उसमें स्लॉट कटा हुआ रहता है हीट डिसिपेशन के लिए और बेटर फ्रिक्शन के लिए। अब क्या होता है, जब लॉन्ग रन में बाइक चलती है तो अंदर में धीरे धीरे कचरा अंदर में पैदा होता है, ठीक है। वो फ्रिक्शन के लिए भी होता है और आसपास में जो डस्ट है वो एक्यूमुलेट भी वहाँ पे होता है उस स्लॉट में। अब क्या होता है, जो ब्रेक शू है उसका स्लॉट में जब ये डस्ट जब जमा हो जाती है तो वो एरिया टोटली फिलअप हो जाता है और ये जो किच 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 टाइप का आवाज़ होता है ये आने शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये और एक प्रॉब्लम, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा सेट को खोल के आपको अंदर में जो स्लॉट है जो ब्रेक शू में जो स्लॉट कटा हुआ रहता है उसको आप बढ़िया से क्लीन कर दीजिए, और जब आप खोल ही रहे हैं चीज़ को तो एमआरई पेपर से थोड़ा आप उसको रब कर दीजिए ताकि फ्रिक्शन उसमें और बढ़ जाए। क्योंकि क्या होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड में जो ब्रेक शू है वो अपना एक पैटर्न बना लेती हैं डिस्क के साथ, डिस्क प्लेट के साथ, ठीक है। तो ये दो मेन रीज़न है जिसके लिए आपका जो बाइक है जो फ्रंट या रियर साइड हो एक किच किच टाइप का आवाज़ आते रहता है और आप सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है दोस्तों, इस चीज़ का आप ख्याल कीजिए। पहला है कि कभी भी वहाँ पे पॉलिश मत लगाइए, डिस्क प्लेट में कभी भी पॉलिश मत लगाइए। और सेकेंड पॉइंट यही है कि जब आप मेंटेनेंस जब कर रहे हैं तो बीच बीच में उसको खोल के आप क्लीन कर लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और किसी फ्रेंड को अगर हेल्प करना चाहते हैं इस इन्फॉर्मेशन से तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।